नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चांद्रयान 3 के न्यूज़ के बारे में। लेटेस्ट जो ट्विटर पे इसरो ने ट्वीट किया है कि भाई हमारा जो प्रज्ञान रोवर है जो विक्रम लैंडर है उसको सक्सेसफुली स्लीप मोड में डाल चुके हैं। क्योंकि कि अभी चांद पे कैसा होता है, 14 अर्थ डे इज इक्वल टू 1 लूनर डे, मतलब चांद पे एक दिन अर्थ के 14 डेज के बराबर रहता है और चांद की एक नाइट अर्थ के 14 नाइट्स के बराबर होती है। तो ऐसे में August 22 को फर्स्ट मतलब चांद का जो लूनर डे स्टार्ट हुआ था, दिन का टाइम स्टार्ट हुआ था और उसके दो दिन बाद ही हमने चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लैंड किया चांद के ऊपर। और इसी 14 डेज में, मतलब हालांकि दो दिन कम मिले, तो 12 दिन में जितना भी डेटा गैदर करना था, जितने भी टास्क करने थे, सभी सक्सेसफुली कर दिए। सब वो डेटा इसरो को सक्सेसफुली सेंड भी किया चंद्रयान 3 ने और अभी उनको स्लीप मोड में डाल चुके हैं। क्योंकि अभी उधर नाइट हो जाएगी, नाइट स्टार्ट हो जाएगी और नाइट में काम नहीं होता है क्योंकि उधर का वेदर एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है नाइट में, मतलब 14 डेज ऑलमोस्ट। सो उस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ये दोनों ही रोबोटिक मटेरियल का सस्टेन होना या फिर टिकना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा इसरो का मानना है। तो ये 14 डेज में मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये दोनों रोबोटिक मटेरियल, मतलब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, तो इसलिए उनको स्लीप मोड में डाला है। हालांकि उनके बैटरीज 100% चार्ज है, उनको सेफली पार्क भी किया है और उनके जो सोलर एंटीनाज है वो भी सन की तरफ ऑलरेडी डायरेक्टेड किया है। सो जस्ट इन केस वो 14 डेज के बाद, मतलब 1 लूनर नाइट के बाद अगर वो सर्वाइव भी होते हैं तो आगे भी डेटा वो इसरो को सेंड कर सकेंगे। अभी चलते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ, जहां पेटीएम ने बोला है कि हमारा लेटेस्ट साउंड बॉक्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमने देखा था कि काफ़ी सारे हमारे लोकल वेंडर्स के जहां पेटीएम का एक क्यूआर स्कैनर रहता है और जहां पे साउंड बॉक्स रहता है, जो जैसे ही आप पेमेंट करते हो वहां पे पेमेंट का मतलब अनाउंसमेंट होता है कि आपने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया पेमेंट किया, वैसे ही मतलब ये UPI से पूरा हो रहा था। अभी उन्होंने वहाँ पे कार्ड भी इंटीग्रेटेड किया है, तो अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड रहेगा तो आप जस्ट टैप एंड पे करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए एक नया मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और साउंड बॉक्स के साथ ही उसको नीचे NFC सपोर्ट दिया है। तो अगर आपके पास वाईफाई एनेबल कार्ड रहेगा, कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो आप जस्ट टैप एंड पे करके जितने भी अमाउंट है वो पे कर सकते हो। तो मतलब अदर देन UPI आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और ये चीज़ फर्स्ट मतलब पेटीएम ने इंट्रोड्यूस की थी। अगले टेक्निकल अपडेट की बात करूंगा तो WhatsApp की रिलेटेड है और WhatsApp ने एक बीटा वर्जन रोल आउट किया है Android और iOS के लिए, जिसमें उन्होंने इंस्टेंट वीडियो मैसेजिंग का फीचर ऐड किया है, जहां पे आप 60 सेकंड्स का इंस्टेंट वीडियो मैसेज आप सेंड कर सकते हो किसी को भी। पहले मतलब अभी तक कैसा होता था कि आप को वॉइस कमांड भेज सकते थे इंस्टेंटली, टाइपिंग तो मैसेज तो होता ही था, लेकिन इसके साथ साथ आप वॉइस कमांड भी भेज सकते थे इंस्टेंटली आप वॉइस रिकॉर्ड करके। लेकिन अभी आप वीडियोस भी 60 सेकंड तक का वीडियोस भी आप भेज सकते हो सामने वाले को, जिसको इंस्टेंट वीडियो मैसेजिंग बोला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, वो अभी फिलहाल बीटा वर्जन में ही है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ने इंडिया में 72 लाख के अकाउंट, जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट या बैन किया है ड्यू टू द स्कैम और स्पैम रिपोर्ट्स एंड फ्रॉड की वजह से। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का फ्रॉड बहुत ही चलता है, स्कैम बहुत ही चलता है, व्हाट्सएप पेमेंट पे आपको लिंक मिलती है या फिर बहुत सारा मतलब ऐसा स्कैम चलता है जिससे आपको भी अनवांटेड मैसेजेस आते रहेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसके चलते हुए 72 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स को उन्होंने डिलीट कर दिया है। iPhone 15 का सितंबर 12 को ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, इंडिया टाइम के अनुसार रात को 10:30 बजे इसका लॉन्च होगा। लेकिन वही टाइम से मतलब अगले ही दिन से iPhone 15 इंडिया में भी सेल को मिलेगा। ये एक नया, काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग न्यूज़ है। क्योंकि आज तक ऐसे होता था कि सबसे पहले ग्लोबली लॉन्च होता था, US में iPhone लॉन्च होता था और फिर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद इंडिया में आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आपको अगले ही 2-4 दिनों में ही इंडिया में भी वो सेल में जाएगा और आप iPhone 15 को परचेस कर सकते हो। बिग बिलियन डे आने वाला है सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में और सभी आईफोन के प्राइजेस भी ऑलमोस्ट लीक हो चुके हैं। आपको आईफोन 11 मिलेगा अराउंड 25-26,000 में, आईफोन 12 मिलेगा आपको अराउंड 35-37,000 में, आईफोन 13 मिलेगा आपको अराउंड 42,000 में, आईफोन 14 मिलेगा आपको लेस देन 50,000, 48-49,000 में। तो ऐसे में अगर आप कोई भी आईफोन परचेस करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड, मतलब फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर अमेजॉन ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। आपको एडिशनल 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब एडिशनल कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा जो कि 10% कैशबैक डिस्काउंट रहता है। तो आपको मतलब आईफोन की प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।